गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं उनको स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको चार भागों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार था, सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, थर्ड अपीलीय क्षेत्राधिकार और लास्ट सलहा या परामर्श क्षेत्राधिकार। देखिए, मैंने आप लोग को उस दिन अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी दे दी थी। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब निचली अदालतें जो होती हैं उनको उन मैटर्स के अंदर सुनवाई करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, इसलिए इनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। और केंद्र और राज्य के मध्य में जो भी विवाद हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 32 के तहत जो 32 अनुच्छेद है हमारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अगर किसी नागरिक जो है उसके मौलिक अधिकार जो है उनका हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो भी अपने आदेश देता है वो किस रूप में देता है, रिट के रूप में दे सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो होते हैं वो भी रिट जो है वो जारी कर सकते हैं, और इन रिट्स के माध्यम से न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका को कुछ करने या फिर कुछ ना करने का आदेश दे सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार लेख, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लेख जारी करने का अधिकार है, ठीक है। सेकंड जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय, ये आपको ध्यान रखना है, ये है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया है तो अदर कोई भी किसी भी कोर्ट के अंदर आप कोई अपील नहीं कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो वहाँ पर अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग देखो, उच्च न्यायालय अगर किसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेजे तो क्या क्या ज़रूरी होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि जो भी मैटर है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है, अर्थात उसमें संविधान का या कानून की व्याख्या का कोई प्रश्न नहीं है, मतलब कि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि भाई इस मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करने लायक है ये मैटर, इसमें कोई कानून की व्याख्या है, संविधान की व्याख्या है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है, तो इस टाइप का अगर कोई मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। सेकेंड, अगर किसी फौजदारी मामले में किसी निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी है ना, मतलब निचली अदालत के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई है, तो भी वो मैटर जो है वो कहाँ पर जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा नहीं देता, मान लीजिए उच्च न्यायालय ने कोई अपील की आज्ञा नहीं दी कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है
कि उस मुकदमे में की गई अपील जो है वो सही है या व्यक्ति के द्वारा जो अपील की जा रही है उसमें उसको निर्णय देना चाहिए या उस मैटर पर विचार करना चाहिए। तो अगर उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं भी देगा और सर्वोच्च न्यायालय को अगर ये लगता है तो वो अपने हिसाब से भी उस मैटर पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। फिर यदि न्यायपालिका को लगता है कि कानून और संविधान का अर्थ वो नहीं है जो कि निचली अदालतें समझ रही हैं या जो उन्होंने समझा है निचली अदालतों ने, अगर वो गलत अर्थ समझ रही हैं तो भी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उनके निर्णय को बदल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उनका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। और जो फोर्थ नंबर पर जो लास्ट आता है वो आता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, ठीक है। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर सलाह देने के लिए बाध्य है, और मान लीजिए अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को उस मामले पर सलाह दे भी दी तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने।